इन्होंने अपना मौका पा लिया है। हार्डी संधू, इनके गाने गुनगुनाए बिना एक दिन नहीं बीतता। और कड़क शॉट आते ही बल्ले के बीच में से, आप देख सकते हैं इनकी बैकलिफ्ट देखिए, स्विफ्ट हैंड्स देखिए, और उस बल्ले को भी देखिए, ब्रेंडन मैकलम की याद आती है। जानते थे कि मेरे को आकर एक क्रूशल मैच खेलना है, इसलिए प्रैक्टिस लगता कर रहे थे। और जिस हिसाब से आते ही पहला गेंद मिडिल किया है, इस बार थोड़ा बीच में लगी रही गेंद, थोड़े ऊपर वाले हिस्से पे लगी थी गेंद, लेकिन रन मिल जाएगा, खाता खोलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत में इस समय पंजाब के शेर दहाड़ रहे नहीं है अभी तक जो उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि देखिए सातवां ओवर चल रहा है थोड़ा, लेकिन रन बने केवल 50-100 के आसपास यदि रन होंगे, क्योंकि कर्नाटक बुलडोजर की टीम काफ़ी मजबूत टीम दिखाई जाती है, और अभी तक जो उनका प्रदर्शन है उसको देखते हुए ऐसा माना जाता है कि वो हर मुकाबला आसानी से जीत लेती है। ये कड़क शॉट है, लेकिन फील्डर से तैनात है तो कड़क शॉट भी बेकार हो गया, केवल एक ही रन मिला। यही होता है अच्छे फील्डिंग का नतीजा, चार रन आसानी से मिल सकते थे, इतना अच्छा शॉट भी था मयूर का, मात्र एक रन। शानदार फील्डिंग यहां पर कर्नाटका बुलडोजर्स द्वारा। करण आर्यन ये खुद भी शानदार फील्डर हैं, तो फिर जब इनके गेंदबाजी पे कोई फील्डिंग करे तो ये वही स्तर एक्सपेक्ट करते हैं। स्लोअर गेंद फिर से हार्डी संधू को ललचा रहे हैं। सात ओवर बाद 52 for 3। कभी भी मैच के रुख को बदल सकते थे। हार्डी आए हैं, फिर से गेंद को टॉप एज लगाया है, फील्डर नीचे है, इस बार छूट गया। मौका जरूर बनाया था वहां पर सुनील ने। हार्डी संधू विल बी थैंकिंग हिज स्टार्स, क्योंकि किच्चा सुदीप थे नीचे, सामने से भी खिलाड़ी आ रहे थे। आठ ओवर बाद 7 for 4। क्या कुछ बड़े शॉट देखने को मिलेंगे, देखना होगा। शाबाश शाबाश करण, हार्ड मारने की कोशिश कर रहे हैं हार्डी संधू। टाइमिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वो भी जानते हैं कि इस गेंद को बहुत दूर भेज सकते हैं। रीच से थोड़ी सी बाहर थी, वाइड करा दी गई। ये 2-3 रिप्ले में भी देखेंगे, वहां पर देखिए सोच सही है, दूर रखना है बल्लेबाज से, लेकिन इतनी भी नहीं, मार्जिनल कॉल। ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, ऐसा प्रतीत हुआ था कि रुक कर उसको चार रन से रोकेंगे, चार रन नहीं बनने देंगे, लेकिन ये कैच में भी तब्दील करना चाहते थे एक क्षण के लिए। हार्डी संधू को तो मिल गया चौका, वाले हैप्पी हैप्पी चौका, ये देखिए थोड़े से लेट हुए शायद, एफर्ट 100% कृष्णा का, प्रयास की तारीफ करनी होगी, अपना 100% दिया। लेकिन इस बार क्या गेंद बल्ले के बीचों बीच आई है, जी हाँ, जिस शॉट का इंतजार था, जिस ओवर की तलाश थी, लगता है शायद वही ओवर आएगा। इस ओवर में 3 गेंद हुई है, 10 रन आ चुके हैं, 71 स्कोर पहुंच गया। यदि 2 ओवर अच्छे आ गए तो भी स्कोर 100 के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि कम से कम एक लड़ने योग्य स्कोर तो रहेगा। शानदार शॉट, यहां पर ऑलरेडी बाहर खड़े हैं वो, लाइन और लेंथ बिगाड़ना चाहते हैं गेंदबाज की। यहां करण आर्यन की अच्छी कमबैक, कीपिंग स्किल्स भी देखिए वहां पर किच्चा सुदीप जी की। हार्डी संधू, अक्सर हमने देखा है बल्लेबाज अपने आप से बात करने के लिए, थोड़े से कंपोजर वापस लाने के लिए स्क्वेयर लेग की ओर चलते हैं, और ये बल्ला बिल्कुल चांटा मारा है इस गेंद को। यहां पर बच्चन के हाथ में चोट भी लगी है और 2 रन भी आसानी से ले लेंगे।